मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब मेरा साहिब। मैंने कई बार दसम द्वार का उल्लेख किया है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इस प्रकार आगे कह रहे हैं, रणकार खेचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणकार पहचान, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। शिव जी किसका ध्यान कर रहा है, किसकी उपासना कर रहे हैं? ब्रह्मा क्यों ध्यान मग्न हो रहा है? रणकार की उपासना कर रहे हैं। तासे उपजे सकल पसारा, कह रहे रणकार खेचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणकार पहचाना। आगे कह रहे हैं सिद्ध साध उत्तर देवा आदि ले, पांच शब्द में अटके मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर ओंधे मुंह लटके। साहेब यहां कह रहे हैं त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साधक ऋषि मुनि त्रिदेव देव प्रधान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आदि पांच शब्द में अटके, यहीं तक अटक के रह गए। कोई इसमें एक पकड़ रहा है, कोई दो पकड़ रहा है, कोई पांचों पकड़ रहा है। साहिबाणी में कह रहे हैं सिद्ध साध उत्तर देवा आदि ले, पांच शब्द में अटके मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटकना, दोबारा माता के पेट में जन्म लोगे। परम पुरुष घर अधर तार हैं, अधर तार के आगे उसके आगे कोई न बखाने सभी शब्द में पागे। मकर तार एक झीनी डोरी तह चढ़ हंसा जाए पुरुष की खोरी। वाह वाह वाह, मकर तार के भेद को जानत सन सुजान। साहेब कह रहे सिद्ध साध त्रिदेवा आदि पांच शब्द में अटके, इन पांच शब्दों तक ही अटक कर रह गए। यानी साहेब तो अपनी वाणी में पंच शब्द को निरंजन की सीमा में बोल रहे ना, ये शब्द तो उनका है। इसके आगे कोई न बखाने सभी शब्द में पागे, कोई इसके आगे जा ही नहीं रहा है। इसके आगे भेद हमारा जानेगा कोई जाननहारा। कहे कबीर जानेगा वही जा पर कृपा सदगुरु की हुई। ये सदगुरु शब्द भी पहले शास्त्रों में नहीं मिल रहा है, गुरु मिल रहा है, सदगुरु नहीं मिल रहा है। साहेब ने निर्गुण भक्ति को भी निरंजन की भक्ति कहा। निर्गुण भक्ति पंच शब्दों और पंच मुद्राओं के अंदर है। जब हम यहाँ ये बात कह रहे हैं दुनिया हमें विरोध कर रही है, अरे भाई शास्त्र भी तो कह रहे हैं, साहेब की वाणी तो कह रही है। अब ये दो धाराएं थी, इसलिए पहचान किसी भी चीज़ की पहचान नहीं मिट रही है। निर्गुण भक्ति की पहचान भी है, कमाई आधार कमाई, यानी तुम्हें योग करना है इसलिए वो लोग कमाई भी बोल रहे हैं। और साहेब क्या कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया, बहुबंधन ते बांधिया, एक बिचारा जीव, जीव बिचारा क्या करिए जो न छुड़ाई है पीव। ये कभी भी अपनी कमाई और ताकत से छूट नहीं सकता। बड़े बड़े हाथी बह जाई कहो मसा कह लेखे माही। इतने बड़े बड़े तपस्वी योगी ऋषि मुनि जब अपने को नहीं बचा पाए तो ये कलयुग का आदमी कमाई केड़ी करेगा। धर धर दे मारी माया ने टपकी पटकी, करे अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। तो साहेब ने आकर क्या बोला, इससे पहले यहीं तक थी। साहेब ने कहा सदगुरु पार कर देगा, झगड़ा ही खत्म है, सदगुरु पार कर देगा। इसलिए साहेब नानक देव जी की वाणी में भी ये छलकता है। 71 साल बाद में आए हैं नानक देव जी साहेब से। साहेब का अवतरण है 1398, नानक देव जी का अवतरण है 1469। तो 69 साल ये और 2 साल
अंठान चौदहवीं शताब्दी के, यानी साहब 1398, 1469 में से 1398 घटाओ तो 71 बकाया, यानी नानक देव जी साहब से 71 साल बाद में दुनिया में आए। आप देखेंगे तो सदगुरु शब्द नानक देव जी ने भी फरमाया। अगर आप देखें नानक देव जी ने जिंदा बाबा कहा मेरा गुरु, और साहब कह रहे जिंद रूप हमें ही धरा है। आइए, इसलिए नानक देव जी की वाणी में भी स्पष्ट नजर आ रहा है गुरु कृपा से पार हो गए। नानक देव जी ने कहीं कमाई बोली नहीं है, संतों ने कमाई शब्द कभी नहीं कहा, ये योगियों का शब्द है। ठीक है, संतों ने कमाई नहीं कहा है, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो साहेब किया, भयो कबीर कबीर। अभी भैया योग वाले अगर कहें हमारा संत मत है तो ये बड़ा गलत हो जाता है। संत मत और योग में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। साहेब ने किस बिंदु पर आश्रित किया? सदगुरु पार कर देगा, कैसे पार करेगा? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुमसे हो भी नहीं पाएगा। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को, सुरत करो मेरे साइयां। देखो वाणी गवाही दे रही है, मैं हूं भवजल माह, आप ही हम बह जाएंगे जो न गहोगे बाह। इसलिए धारा अलग हुई भैया, विचारधारा चेंज है सरगुण और निर्गुण के परे। इसलिए दादू दयाल जी बोल रहे हैं साहब के लिए, कोई सरगुण में रीझ रहा, वाह बेबा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कहीं न जाए। साकार कहो तो माया माई, निराकार कहे आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। वाह, इसलिए साहब ने इन दोनों धाराओं से अलग आखिर क्या बोला, कैसे जीव पार होगा? आओ थोड़ा हम आदि की तरफ चलते हैं, क्या है साहब? अनुराग सागर के अंदर भी इसका उल्लेख है, सत परम पुरुष जब गुप्त रहा है, कारण करण नहीं निर्माय, वो था अव्यक्त था, परम पुरुष अव्यक्त था, कुछ भी नहीं बना था, कोई भी सृष्टि नहीं थी, एक अनंत विराट स्वरूप बना, अद्भुत प्रकाश जिसके अंदर एक रोम में भी करोड़ों सूर्य शर्मा जाए। हते गुप्त प्रकट हुए आए, परम पुरुष उसमें समा गए, प्रकाश सजीव और चेतन हो गया। दूसरा शब्द उच्चारण किया, 16 शब्द उच्चारण किए, इससे 16 पुत्रों की उत्पत्ति। परम पुरुष को आश्चर्य हुआ, जो बोल रहे थे हो रहा था, उन्होंने सोचा क्या एक और भी परम पुरुष हो जाए, वैसा ही एक परम पुरुष भी हो गया। उस परम सत्ता ने उसमें समावेशन पहले देखा, जैसे मैं कहूँ मधु, एक और मधु हो जाए तो पहले मैं देखूँगा आकृति वैसी है या नहीं, फिर देखना क्या चाहूँगा कि इंडिविजुअलिटी भी वैसी है या नहीं। तो परम पुरुष उसमें समा गए, तो जिस मूल पॉइंट पर थे वो प्रकाश रहित हो गई, वो जगह परम चेतन हुई। तो सोचा नहीं मैं तो ये नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। निमक एक को संशय आई, एक पल के लिए शंका आई, एक पल नहीं नहीं मैं ये नहीं हूँ, निकल कर वापस अपने पॉइंट पर आए। वो शंका निकाली फिर परम पुरुष ने, जो निमक थी अपने में नहीं रहने दी, निमक बहुत ए माइक्रोसेकेंड बार फेंकी, वही निरंजन हुआ पांचवा। इसलिए मन है ही सस्पेंशन, वह है ही शंका, है ही डाउट, सब में व्याप्त है। ये परम पुरुष का एक स्लाइट माइक्रोसेकेंड का एक संशय मन,
परम पुरुष ने उससे पहले क्या किया था, अद्भुत प्रकाश सजीव हुआ। एको अहम भवस्या प्रकटे, जैसे हम पानी की समुद्र से पानी उठाकर बूंदे फेंकते हैं मुट्ठी से तो अनंत बूंदे बनी पर वापस पानी में मिलकर वैसे ही हो जाती है, लेकिन परम पुरुष ने उस अनंत प्रकाश को जो समाया था उछाला, अनंत बूंदे हुई। उन्होंने चाहा इनका वजूद रह जाए, वही हंस है, इसलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहां से अंश हुए। ठीक है साहब, कह रहे वहां बड़ा आनंद था, अंशन शोभा कला अनंता होता सुख सदा बसंता, अंशन शोभा अगम अपारा कला अनंत को वर्णे पारा, खोडश महान हंस को रूपा। इतना अद्भुत आनंद, जहां भूख नहीं प्यास नहीं जन्म नहीं मरण नहीं तू नहीं मैं नहीं काम नहीं था क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि नहीं, जन्म नहीं जयवा से अंश आया अमर में वो लोक हुआ। अमर लोक कोई साधारण चीज नहीं है, स्वर्ग का विश्लेषण शास्त्रों में भी आता है, जहाँ आनंद है कहते हैं वांछित फल प्राप्त होते हैं, जो चाहो हर मौसम में हर पेड़ लगे आम के अमरूद के बारह महीने, जो भी चाहो जब भी चाहो खा लो, अभाव नहीं है वहाँ, बीमारी नहीं है वहाँ, क्लाइमेट बड़ा टॉप है, पसीना नहीं बहेगा वहाँ पर आखिर अंतोगत्वा दुनिया में आना पड़ेगा, इसलिए वो अभय पद नहीं है वहाँ। इसी तरह अमर लोक न्यारा, जहाँ भूख प्यास नहीं अमृत भोजन करे आहारा, वहाँ आत्मा परमानंद में है। वही जैसे एक बाल्टी पानी था, हमने बूंदे कही की उसी का अंश थी, वो पानी में गिरी तो मिल जाती है, लेकिन परम पुरुष ने वहाँ ऐसा किया उनका वजूद रह गया, वो पानी में विचरण करने लगी आत्मा, वो पानी नहीं था अद्भुत प्रकाश। कैसा आप प्रकाश को कहाँ तक जानते हैं, अरे आप तो यहाँ तो आग का रोशनी, यहाँ तो ये पानी से पैदा हुआ इलेक्ट्रिक पावर है ये जान रहे, चमक रगड़ से जो पैदा हुई, यहाँ तो फिर सूर्य यहाँ चंद्रमा तारों का मंडल, वो इनसे परे हैं, वो इनसे परे हैं, वो अद्भुत है। उसी में आत्मा है आनंद, वो आनंदमय प्रकाश है, अनंत आनंद है उसमें। हते गुप्त प्रकट हो आए, सब हंस पुरुष रूप पुरुष उनको दुलारे, यकरूप सभी है न खुदा बंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा, सभी वहां निवास कर रहे थे। फिर क्या हुआ, ऐसे बहुत दिवस गए बीती, ता पीछे ऐसी भई रीति, एकाग्र होकर के निरंजन ने 70 युग सेवा की, परम पुरुष का ध्यान किया। परम पुरुष ने कहा क्या चाहते हो, निरंजन ने कहा मुझे कोई छोड़ दो जहां मैं भी रहूं, मैं तो कांशी था सस्पेंशन से पैदा हुआ था, ये कैसी निमक है? आपने देखा ना हाथी की लीद भी इतनी होती है कि बहुत बड़ा टोकरा भर जाता है, तो परम पुरुष की जो माइक्रो सेकंड की संशय थी ना वो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है ही संशय, ये ब्रह्मांड है ही निरंजन। तो संशय का मांडन है धरती और आकाश, ये है ही ब्रह्म। परम पुरुष ने कहा जाओ मान सरोवर में जाकर रहो, वो तुम्हें दिया। निरंजन बड़ा खुश हुआ, मान सरोवर में रहने लगा, आनंद था वहां। मान सरोवर आए जहिया भय अनंत धर्म पुनतहिया, बहुत ध्यान पुरुष को कीना, 70 युग सेवा चित दीना, दोबारा 70 युग फिर ध्यान किया। परम पुरुष ने कहा आप क्या चाहते हो, निरंजन ने कहा इतना ठाव न मोह सुहाई, मोह को बख्श देह ठकुराई, या तो देह लोक यक न्यारा या तो देह लोक अधिकारा। वाह, मनुष्य मन महत्वाकांक्षी है ना, मैं भी देखता हूँ कुछ लोग सेवा करने आते मेरे यहाँ, मैं कहता हूँ सेवक होकर सेवा करो, मैं भी सेवक हूँ। वो थोड़ी सेवा करने के बाद हुकूमत चाहते हैं कि हम कमांडर बने, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष, वो अगुआ बनना चाहते हैं। निरंजन को भी यही बात आई, क्योंकि ये भी तो मन का खेल है, अरे मैं कहता हूँ अगुआ बनने से तू नहीं टिक पाएगा, तेरी खींचा खाची ज़्यादा होगी,
इसलिए तू बस नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही धूप घास पात जल जाएंगे, धूप खूब की खूब, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, पिछड़े ही रहो, सेवा करो चुपचाप, कुछ न चाहना। निरंजन ने चाहा कि हेड बनूं, तो क्या कहा, इतना ठाव न मोह सुहाई, मोह को बख्श देह ठकुराई। कहा या तो देह लोक अधिकारा, या तो देह लोक यज्ञारा, या तो देह बख्श देह मोह को ठकुराई। निरंजन ने कहा मुझे ठकुराई दो, या तो मुझे अलग से लोक बना कर दो। तब परम पुरुष ने कहा सुनो निरंजन, जाओ शून्य में एक तीन लोक बनाओ, वहां तुम्हारा राज्य होगा, 17 चौकड़ी असंख्य युग, बहुत लंबा टाइम हुकूमत दी। निरंजन ने कहा सहज पुरुष को साहब ने भेजा, निरंजन ने कहा सृष्टि कैसे बनाऊं। साहब ने कहा कूर्म जी के पेट में शून्य है, उससे मांगो वो शून्य देगा, शून्य से ब्रह्मांड बन जाएगा। निरंजन कूर्म जी के पास पहुंचा, मांगने की जगह जबरदस्ती उसका उदर विदारा डिस्टर्ब करके जबरदस्ती उसके 3 अंश ले लिए। उससे फिर क्या निकला, 3 शीश के 3 अंशा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंशा, 5 तत्व धरती आकाशा चंद्र सूर्य उगण रविवासा, भिक्षो नीर अग्नि शशूला, निक्षो नभ ढाकन महितूला, मीन शेष 12 मई मंथन पुन पृथ्वी को भयो अरम्बन। छीना शीश कुर्म को जब ही चले प्रसव ठाम पुन तबई, जब ही प्रसव बुंद जल दीना, 49 कोटि पृथ्वी को किना, क्षीर तोड़ जस परत पलाई, अस जल पर पृथ्वी ठहराई। ये ब्रह्मांड बना शून्य से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, 3 लोक की रचना आदि हुई। लेकिन कूर्म जी ने परम पुरुष से कहा कि शैतान को भेजा था, वो शांत थे, आपने भेजा था इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, इसने तो मेरे को बहुत परेशान किया, जबरदस्ती की। परम पुरुष ने कहा ओ ये बड़ा काल पुरुष, परम पुरुष जानता था ये सस्पेंशन से आया, बोला ए ही आहे बड़न की रीति, अवगुण ठाव करे प्रतीति। बोला शांत रहो, कोई बात नहीं, छोड़ दे। निरंजन ने ब्रह्मांड बना के बाद विचार किया, ओ राज्य किस पर करना है। तीसरी बार फिर ध्यान किया, 64 युग। परम पुरुष ने कहा आप क्या चाहते हो, उसने कहा दीजिए खेत बीज मुए सारा, किस पर राज्य करना है, आत्माएं दो। आगे सुनना, इच्छा कीन पृष्ठ है 12, अष्टंगी कन्या उपजाया। तब परम पुरुष ने इच्छा की, इच्छा से ही आदिशक्ति की उत्पत्ति हुई। अष्टभाव हुई कन्या आई, बाएं अंग से उठाड़ रही, बाई तरफ पड़ी, मात नाय पुरुष से कही अहो पुरुष आज्ञा का सही। परम पुरुष ने कहा प्रणाम की, आदिशक्ति ने परम पुरुष को कहा क्यों मेरी उत्पत्ति की, मेरी क्या आज्ञा। तभी पुरुष वचन प्रकाशा, पुत्री जाओ धर्म के पासा। परम पुरुष ने तब आदिशक्ति को जब उत्पन्न किया, प्रेम किया, इसलिए ये नारी में ये प्रेमत्व है, वो परम पुरुष का है। लेह वस्त्र जू देह समारी, रचो धर्म मिल उत्पत्तवारी। परम पुरुष ने कहा ये लो आत्माएं दी, इनको लेकर जाओ मानसरोवर में, निरंजन है दोनों मिलकर सत्य सृष्टि करना। Oh
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब साहिबगी साहिब साहिब बंदगी साहिब प्रणाम की आदि शक्ति ने परमेश को कहा, क्यों मेरी उत्पत्ति की, मेरी क्या आज्ञा। तबे पुरुष वचन प्रकाशा, पुत्री जाओ धर्म के पासा। परम पुरुष ने तब आदि शक्ति को जब उत्पन्न किया, प्रेम किया, इसलिए ये नारी में ये प्रेमत्व है, वो परम पुरुष का गया। लेह वस्त्र जू देह समारी, रचो धर्म मिल उत्पत्तवारी। परम पुरुष ने कहा ये लो आत्माएं दी, इनको लेकर जाओ मानसरोवर में निरंजन है, दोनों मिलकर सत्य सृष्टि करना। इसलिए आदि शक्ति को जगत जननी मातेश्वरी कहते हैं, क्योंकि सभी आत्माओं को यही लेकर के आई। ये जितनी भी आत्माएं हैं आदि शक्ति के द्वारा आई, इसलिए इसे जगत जननी आदि शक्ति मातेश्वरी आदि नाम से पुकारा जाता है। पुरुष वचन सुन तभी गाजा, मान सरोवर आन विराजा। आवत कामिन देखियो जबई, धर्म राय मन हर्षो तबई। कहा देख अष्टंगी कैरी, धर्म राय इतरानो हेरी। कहा अनंत अंत कुछ नाही, काल मगन हो निरखत ताही। निरखत धर्म भयो अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीरा। अत्यंत तेज से बनी हुई थी, इसलिए देख तो प्रमाण है, जब भी देवता पराजित होते हैं आदि शक्ति से शक्ति लेने जाते हैं, क्योंकि उसके पास शक्ति है। निरंजन ने कहा आत्माएं दो, आदि शक्ति ने कहा आत्माएं देने के लिए नहीं बोला, मिलकर सृष्टि, ऐसा परम पुरुष का फरमान है। निरंजन ने आदि शक्ति को एक हाथ से शीश एक से पैर पकड़ निगल गया। लीलत कन्या कीन पुकारा, काल निरंजन कीन आहारा। जब वो आदि शक्ति को निगल गया, उसके बाद इसका नाम काल पुरुष हुआ। आदि शक्ति ने सुरति की परम पुरुष की कि ये निगल गया। तब साहब ने कहा इसने कूर्म के साथ में भी ऐसा ही किया, अभी है ये तो काल, इसको मिटा देता हूँ। पुरुष ध्यान कूर्म अनुसारा, मोनसन काल कीन बरियारा। तीन शीश मम भक्षण कीना, हो सत्पुरुष दया बल कीना। लक्ष्य यही चरित्र पुरुष जब जानी भल जानी, दीनों साफ सो कहो बखानी। परम पुरुष ने यही ध्यान श्राप दिया, जाओ 100,000 जीव नित्य निगलोगे। मिटाया क्यों नहीं, बोला अगर इसे मिटाऊंगा तो 16 के 16 मिटाने पड़ेंगे एक ही नाल से। इसलिए कहा मोर देश अब ना लहे, कठिन काल कराल जीवन बहुत कराल, करें बेहाल हो यह मेटत अब ना बने मुझे। नाल सुथिक खोडशा, एक मेटत सब मिटी है, वचन डोल अडोल सा। दूसरा मैंने इसे वचन दिया है 17 चौकड़ी असंख्य युग राज्य का, इसलिए मेरा शब्द कट जाएगा। कहा हे ज्ञानी, परम पुरुष ने अपना मंथन किया, साहिब को निकाला, साहिब को बनाया नहीं। जैसे हम दही को मंथन करते हैं तो मक्खन आता है, परम पुरुष ने साहिब को निकाला, बोला हे ज्ञानी जाओ शून्य में। निरंजन ने मानसरोवर में आदि शक्ति को निगल लिया, बाहर निकालो कहो मेरा ध्यान करे बाहर आ जाएगी, और निरंजन को मानसरोवर से बाहर निकालो, मेरे देश कभी नहीं आएगा। जोग जीत चल बे शरणाई, मानसरोवर पहुंचे आई। योग जीत कह देखा जब ही, अति भय काल भयंकर तभी। निरंजन विकराल रूप धारण करके कहा कौन हो। जोग जीत कह देखा जब ही अति विकराल भय, तब पूछा काल कौन तुम आई, कौन काश तुम यहाँ से दाई। जोग जीत कह पुकारी, अहो धर्म तुम ग्रास नारी, आज्ञा पुरुष दीनी है मोई, एहते बेग निकारों तो। बोला तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ, तुमने आदि शक्ति को निगल लिया है। जोगजीत कन्या से कहिया, नारी कहे उधर में रहिया, उधर फाड़ अब बाहर आओ, पुरुष तेज समरो तेंठाओ। पता है क्या किया परम पुरुष ने, साहब ने आदि शक्ति को कहा परम पुरुष की सुरति करना केवल, बाहर आ जाओगी। निरंजन ने जब साहब पर वार करना चाहा, साहब ने सुरति से उसकी गर्दन अलग की। गह बुझा फटकार दीनों पड़ो लोग तेन्यार, शून्य में आए। साहब ने सोचा
परम पुरुष ने कहा था सर्प निकालना है, फिर अमी सीज के जीवित हैं कि ना, दोबारा निरंजन को जिंदा किया साहब ने, बोले जाओ। आदिशक्ति जब निकली डरने लगी। निरंजन ने कहा, हे भवानी, तुम्हारा सृजन मेरे द्वारा है, मेरी तपस्या से तेरी उत्पत्ति है, हम दोनों मिलकर सृष्टि करेंगे। मुझे श्राप मिल चुका है, जीव एक लाख निकलने का, इसलिए जीव सतलोक नहीं जा पाए, सबको भ्रमित करना है, देही में डालना है। आदिशक्ति ने कहा, नहीं, ऐसी सृष्टि शरीर की तो बोली नहीं, तब स्थूल सृष्टि की है निरंजन ने। साहब कह रहे, भग नहीं कन्या को हतो अश्चरित्र की निरंजना, नक्षत्र कर भगद्वार की ना घाट उत्पत गंजना। जब नक्षत्र से भगद्वार किया तो इखिन्नता आई, रुद्र चला, त्रैवार इससे ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की उत्पत्ति की, गर्भ विस्तृत कर। यही ड्यूरेशन जब माताएं रसवला होती है तो खिन्न होती है। और कहा, बच्चों को मेरा भेद नहीं बोलना, मैं शून्य में जा रहा हूँ, मन बनूंगा, तुम काया में रहकर जीवों को बंद करना, कोई भी आत्मा अमर लोग नहीं जाए, नहीं तो ये सब अंश निकल जाएंगे। अब आदिशक्ति ने साथ क्यों दिया? क्योंकि परम पुरुष ने आदिशक्ति निरंजन को दी, ठीक है, इसलिए उन्होंने फिर दोनों ने ये सृष्टि की। जीव को परम पुरुष का भेद नहीं दिया, केवल निराकार तक का भेद दिया, वो भी नहीं देना चाहती थी। इस प्रकार अनंत काल तक सृष्टि चली, माया ने निरंजन ने जीवों को उलझा कर रखा, एक भी जीव वापस नहीं पहुंचा सतलोक। काल पुरुष जीवों को बहुत त्रासित कर रहा था, दुख दे रहा था, तप्त शिला पर भूंज भूंज करके खा रहा था। एक बार समस्त जीवों ने इकट्ठे होकर के पुकारा, हे परम सत्ता कोई अगर है, हम यहां बहुत कष्ट में, हमें बचाओ। जब देख जीवन को विकल, तब दया पुरुष जनाया, तब परम पुरुष को दया, यहां जीवों को इतना बड़ा कष्ट है। दया निधि सतपुरुष साहेब तब है मोहे बुलाया, कहे मोहे समझाए, बहुत जीव जाए चिताए, तुम दर्शन ते जीव शीतल जाए तपन बुझाए। साहेब वहां आए, तप्त शिला पर जीवों को चटपट चटपट करके भून रहा था। आए जहां यम जीव सताए, काल निरंजन जीव नचाए, चटपट करे जीव तय भाई, ठाड़े भय तभे पुंजाई, मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब मिल ले उबारा। तब हम सत्य शब्द गोहराया, पुरुष शब्द थे जीव जुड़ाया, मैंने वो तप्त शिला साहेब करें ठंडी कर दी। समस्त जीव आकर मुझे प्रार्थना किए कि इससे बचाओ, सभी जीवों ने प्रार्थना की हमें बचाओ। तब मैं कहा, जीव समझाई, जोर करो तो वचन नशाई, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो नाम स्नेहा, पुरुष नाम सुमरो सहदाना, नाम पाए करो परवाना, देह धरी सर सब समाई, तब हंसा सतलोक सिधाई। बोला, देह धरने के बाद तुम्हारे शरीर में जब सत शब्द आएगा तभी सतलोक पहुंचोगे, इसलिए हंसो परम पुरुष, जहां आशा तह बासा होई, मन बच कर्म समर जो कोई, देह धरे कीने जय आशा, अंतकाल पाइए तम आशा। तब कहा, तुमने काल पुरुष को स्मरण किया था, परम पुरुष की भक्ति करना, जिसका भी नाम करोगे वहीं जाओगे। कहे जीव सुन पुरुष पुराणा, देह धरी बिस्रो यह ज्ञाना। सभी जीवों ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य तन पाकर हम ये भूल जाते हैं किसकी भक्ति करनी है। पुरुष जान सुमरो यमराई, बोला हमने परम पुरुष जानकर ही काल पुरुष की भक्ति की थी। क्यों? वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार ते कीजे नेहा। वेद पुराण आदि सब निराकार की भक्ति बोल रहे हैं, हमने यही मानकर यही भक्ति की थी, और यही निराकार ईसाई भी कह रहे हैं बेचुना खुदा, वेद भी कह रहे हैं निरंजन, ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता शून्य, और मुसलमान भी कह रहे हैं बेचुना खुदा। पूरा ब्रह्मांड इसी निरंजन की निराकार की भक्ति कर रहा है, साहेब काल पुरुष कह रहे हैं, कितना बड़ा अंतर है। तो कहा, सुरनर बन 33 करोड़ी बांधे सबे निरंजन डोरी, ताके मते कीन में आशा, अब मह चीन पड़े हम फांसा। हंसों ने कहा, आत्माओं ने कहा, हमने इसलिए सच माना था। साहेब कह रहे, सुनो जीव, ये छल यम केरा,
यह यम पंद की धनेरा। बोला ये यम के फंदे हैं, हे सुनो हंसो, काल कला अनेक कीना जीव कारण ठाठ, तीर्थ व्रत जप योग फंदे कोई न पावत बाट। ये तीर्थ जप योग आदि ये निरंजन के फंदे हैं, इसी को गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं। जप तप व्रत यम नियम पारा श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। जप तप व्रत यम नियम पारा, ये सब यम के नियम है, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। श्रुति वेद पुराण आदि इसी को धर्म कह रहे हैं। बोला हे अंशो, हे आत्माओं, ये काल का खेल है, ये निरंजन अवतार लेकर अपनी सिफत दिखाता है जीवों को और विनाश करता है, मार काट करके कहता है हम तुम्हारे रक्षक हैं, तो जीव भरोसा कर लेता है कि ये हमारा रक्षक है। यहाँ पर तो साहिब कह रहे हैं, संतो आवे जाए सो माया, सृजनहार ने ब्याही सीता, करते कंस न मारा, गोपी ग्वाल ने गोकुल खेला, नहीं हरना कष संघारा, वह करता नहीं बोध का है, धरनी धरो न भारा, हरना कष न उधर विदारा, ये करता नहीं होई, बिना विवेक के संतो ये जग माया ने है भरमाया, आवे जाए सो माया संतो, ये सब काम साहिब के नहीं, झूठत कहत संसारा, ये सब काल पुरुष ने किए, ठीक है, मार काट दिए हजारों लाखों, ये निरंजन का खेल और दुनिया कह रही यही है हमारा मालिक। तभी साहब ने कहा, जो रक्षकते हैं चीनत नाही, जो भक्षकते हैं सेवे नरलोई, गण गंधर्व पीर पैगंबर इसी काल पुरुष के दायरे में थे, सभी यहीं तक था। तब साहब जब वापस गए, बताया कि हे परमपुरुष को कहा कि ऐसे ऐसे निरंजन ने सबको भ्रमित किया। परमपुरुष ने कहा, ज्ञानी जाओ जीवों को लाओ। साहब आए, तब हम आए मृतमंडल के माही, पुरुष जीव देखो नाही, साहिब कह रहे हैं मैं पूरे मृतमंडल में घूमा, एक भी जीव भक्ति पकड़ने वाला नहीं मिला, जिससे कह रहा था वो लड़ाई के लिए आगे आ जाता था। हाँ हमारे ब्रह्मा की गलत निंदा, हाँ हमारा भगवान विष्णु तू ऐसे ऐसे बोल रहा, सब मारने के लिए तैयार हुए। तब साहिब ने सोचा मिटा देता हूँ पूरे ब्रह्मांड को, ले जाता हूँ आत्मा को, पर साहिब ने कहा जोर करूँ तो वचन निशाई, इसलिए साहब ने कहा युक्ति युक्ति में जीव भर। 100 साल रहकर साहब जब गए, एक भी जीव नहीं आया। सतपुरुष ने कहा ज्ञानी एक भी नहीं लायो, क्या मामला है? बोला जिसको सुबह समझाता हूं शाम को भुला देता है। आप नहीं देख रहे हैं, आप घर के बड़े हो, अपने भाई बहनों को रिश्तेदारों को चाहते हो मुझ तक लाना, वो लड़ने आ जाते हैं, आपको भी छोड़ देते हैं, नहीं आ रहे हैं। काल का जीव माने नहीं, कोटिन कहूं बुझाए, मैं खींचूं सतलोक को, बांधा जमपुर जाए। आप अपनी सखी सहेलियों को, बाकियों को चाहते हैं, मित्रों दोस्तों को रिश्तेदारों को भक्ति में जोड़ें, और वो भी चाहे, लेकिन काल पुरुष नहीं आने देते हैं जल्दी, बड़ी रुकावटें हैं बड़ी। तो साहब ने कहा सुबह समझाता हूं शाम तक वाश कर देता है। परम पुरुष ने कहा, ए ज्ञानी लो ये वस्तु देना, उस पर निरंजन का जोड़ नहीं चलेगा। गुप्त वस्तु प्रभु मोह को दीना। बोला जिसको ये चीज हो गई उस पर निरंजन का जोड़ नहीं चलेगा। अरे भैया आपको जब से नाम दिया उसका जोड़ नहीं चल रहा है, वो चीज आपको दी हुई है, इसलिए उनके पास वो चीज नहीं है, वो जल्दी नहीं मानेंगे। करूं जगत से न्यार, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल का साई। ये पहला काम हुआ, इसलिए ये नाम है, ये एक ताकत गुरु देता है, तब मन का पूरा जोड़ नहीं चलेगा। करूं जगत से न्यार मैं सुरक्षित, इसलिए गुरु जब नाम देता है 5 चीज करता है, सबसे पहले अपने में आप में समा जाता है, फिर निरंजन का जोड़ नहीं चलेगा। पहले मन आपको नचाए जा रहा था जैसा चाहता था, अब इसका जोड़ नहीं चल रहा है। गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार, आगे सुनना। और दूसरा क्या करते हैं, आत्मा और मन अलग करते हैं गुरु, तब मन ठीक ठीक समझ आएगा, नहीं तो नहीं, पूरी दुनिया को नचा रहा है। तीसरा काम करता है, सुरक्षित कर देगा, भूत पिशाच नहीं लगेंगे, जादू टोना टोटका नहीं लगेगा, बाकी चीज दुनिया में आपके पास नहीं आ सकेगी, सुरक्षित करता है। चौथा मुक्त करता है उसी दिन गुरु। और पांचवा आपके अंदर ईश्वरीय ताकत प्रकट करता है। इसलिए साहब ने गुरु की महिमा बहुत बड़ी बोली,
ये सब सदगुरु पार कर देगा, ये चीज़ देकर, अमोलक चीज़ देकर। सात दीप नवखंड में गुड़ते बड़ा न कोए, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिमरे सो वार है गुरु सिमरे सो पार। जब गुरु ये ताकत देता है नाम की, ऑटोमेटिक दुनिया छूटती जाएगी, ऑटोमेटिक मोहमाया हटती जाएगी, ऑटोमेटिक संसार के पदार्थों से मन हटता जाएगा, ऑटोमेटिक मन की पूरी शक्ति कम हो जाएगी। नहीं तो ये किसी को पार नहीं होने दिया। शास्त्रों को उठाओ, ये हमारे पूर्वज थे दुर्वासा, पराशर जी, कपिल मुनि आदि, श्रृंगी ऋषि, वेदव्यास जी, ये सब हमारे पुरखे थे। इन बेचारों ने घोर तपस्या की, निरंजन ने किसी को नहीं चलने दिया, देह मारी पटकी, लेकिन नाम के बाद आपको निर्मल कर दिया। इसलिए साहेब ने गुरु के इर्द गिर्द घुमाकर छोड़ दिया, ये गुरु आपको संसार सागर से पार कर देगा। इसलिए साहेब ने गुरु आयाम बहुत हाई लिया। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, ये कैसे करेगा? पारस सुरत संत के पास आ, वो उसमें मिला होगा, इसलिए उसके पास ये ताकत आएगी, आपको बदल देगा, अन्यथा आप अपने अंदर का खेल कभी नहीं समझ सकेंगे। ये ताकत गुरु देता है, इसलिए साहिब ने गुरुवाद को स्थापित किया। साथ में सावधान किया, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रिप कछ संकट नाही। हजारों गदियां चल रही हैं, हजारों मत मतांतर चल रहे हैं, ग्रस्त लोग भी साहिब की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन साहिब ने पहले कह दिया गुरु के लक्षण कहते हूँ सुनो धीर चितलाए। इसलिए दुनिया वहाँ भी, निरंजन ने कहा मैं तुम्हारा नाम लेकर पंच चलाऊंगा, वो हो भी रहा है। इसलिए समस्त जीव उलझाव में है, उलझे हुए हैं। अगर मैं कह रहा हूँ जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, बदल देते हैं गुरु। इस ताकत पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सत्पुरुष में दीना, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह कबीरा, एक रूप दो देह। दुर्व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है तू, है पारस तेरी भक्ति का हमें वरदान दे, तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा साहिब मेरा, साहिब मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं, मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं, जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा मेरा साहिब मेरा हो, साहिब मेरा मेरा साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा मेरा साहिब मेरा हो।
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी हम कदापि ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी धर्मगुरुओं ने अगुवाओं ने कुछ गलत शिक्षा दी। हम ये नहीं कह रहे हैं, पर सब ने निराकार तक की बात की, निराकार से आगे की बात कोई नहीं कर पाया। इसलिए साहिब वाणी में कह रहे हैं, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा ये सब लाग मनहि की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया मने निरंजन सबको दलिया। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक तह ध्यान लगाई, आदि शब्दों से समाज में एक चेतना लाई। हे मनुष्य, तुम उस सर्वशक्तिमान की उपासना छोड़कर अन्य अन्य भक्तियों में उलझे हो। किसी ताकत ने तुम्हें उलझा रखा है, जिसकी उपासना की जाए उसकी उपासना नहीं कर रहे हो। इस पूरे ब्रह्मांड को नाशवान बोला, चार मुक्तियों का स्थान भी महाप्रलय में नाश हो जाता है। सामिप्य सालोक के सारूप्य सायुज्य आदि मुक्तियों का जो वर्णन था उन्हें भी साहिब ने सीमित कर दिया। साथ में ये कहा कि तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुरु का न्यारा आदि शब्दों की ओर कंसंट्रेट किया। दूसरी बात ये कंसंट्रेट की, इस पर आदमी को एकाग्र किया, आप जिस दुनिया में रह रहे ये नाशवान है, इसकी पूरी व्यवस्था एक शैतानी ताकत के हाथ में है। एक शैतानी ताकत इसका संचालन कर रही है और तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुरु का न्यारा, तीन लोक प्रलय तराई, चौथा लोक अमर है भाई। तीन लोक में जो कुछ भी हैं सब नाशवान है। आज आप देखते हैं नाना मत मतांतर सचखंड सचखंड कह रहे हैं, अमर लोग सतलोक सतलोक बोल रहे हैं। इससे पहले इसका उल्लेख कहीं भी नहीं था। साहिब ने ये एक अनूठी चीज़ संसार को दी। तीसरा बड़ा अद्भुत रहस्य संसार को दिया, दसवें द्वार से न्यारा द्वारा, ताका भेद कहूँ निस्सारा। नौ द्वारे संसार सब, दसवां योगी तार, एकादश खिड़की बनी जानत संत सुजान। साहिब ने वाणी में दसम द्वार का रहस्य तो था ही, उसको तो इंगित किया। ग्यारहवां द्वार उसका रहस्य दिया संसार को बड़े पुष्ट तरीके से। ग्यारहवें द्वार की बात साहिब ने समाज को दी बड़े दावे के साथ में, इसलिए अध्यात्म जगत में हलचल मची। पहली बात तो यह है कि संसार के जितने भी लोग हैं नवम द्वार तक ही समझ रहे हैं। मलमूत्र के दो द्वार, मुख तीन, नासिका के दो द्वार पांच, आंखों के दो द्वार सात, कानों के दो द्वार नौ, दसवां योगी तार। दसम द्वार का रहस्य बहुत सहज रूप से दिया, इसलिए योगी लोग भी साहिब की वाणी की ओर आकर्षित हुए। किस प्रकार दसम द्वार में प्रवेश लिया जा सकता है, तो साहिब ने दसम द्वार का विश्लेषण बड़े सुंदर तरीके से दिया। कई वाणियों में कहा, दसम द्वार से भी जब आप निकलोगे तो भी आप रहोगे जेल में, कालपुरुष की जेल में। जैसे जेल में रहने वाले लोग घूमते फिरते भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, लेकिन रहते वो कैद खाने में हैं, बाउंड्री में रहते हैं,
बाहर आजाद नहीं है, एक परिधि है, एक सीमा है, वो उसी के अंदर रहते हैं, उसके आगे उन्हें निकल सकते हैं। इसी तरह दसम द्वार से निकलने के बाद भी आत्मा काल पुरुष के दायरे से नहीं निकल सकती है, वधोवध वो सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। साहिब ने इस तरह से उन मान्यताओं को नकार करके अत्यंत सूक्ष्म रहस्य बोले, रूहानियत के जो प्रचलित हुए उस समय के बड़े बड़े धुरंधर जो धर्मवेता थे उनसे गोष्ठी की, जो महान महान योगेश्वर थे उनसे साहिब ने बड़े गहनता से गहन रहस्यों में बोला। अंत समय जब जीव को आई, यथा कर्म तब देही पाई, हेड द्वार से प्राण निकासा, नरक खान में पाए वासा। जब जीवात्मा का अंत समय आता है, कर्मानुकूल शरीर को प्राप्त करता है, हेठ द्वार जब प्राण निकासा, नरक खान में पाए वासा, जब ये जीव मल द्वार से प्राण निकलते हैं तो नरक आदि खानों में जाता है, जहाँ से प्राण निकले उसी बिंदु को प्राप्त होगा। वाह, फिर कह रहे हैं नाभि द्वार से जीव जब जाई, जलचर योनि में प्रकटाई, ये नाभि द्वार हैं, शेषनेन्द्री, इसको नाभि द्वार भी कहते हैं, मूत्रेन्द्र को, यहीं से जल मूत्र, इसलिए वहाँ से निकला, जलचर खाने में जाता है, 9 लाख किस्म के जल के जीव हैं वहाँ जाकर प्रकट होता है। मुख द्वार से जीव जब जाई, अन्न खान में पहुँचे जाई, मौत के टाइम अगर आदमी के प्राण मुंह से निकलते हैं, पहचान है, मुंह खुला रहेगा, समझना अन्न खान घुन आदि बना। कभी कभी आप कहते हैं पता नहीं दादाजी मरकर कहाँ चला गया, साहब कह रहे हैं हर मरने वाला संदेश दे के जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, चिट्ठी लिख कर जाता है, शरीर के लक्षण उसके ये बताते हैं कि वो किस योनि में गया। कह रहे हैं पवन द्वार से जीव जब जाता, अंडज खानी में प्रकट आता, मौत के टाइम अगर आदमी नासिका से प्राण निकलते हैं तो वो जा कर के अंडज खान, ये हवा का द्वार है, अंडज खान में जाकर पहुंचता है, 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं उसमें पहुंच जाता है। नेत्र द्वार से जीव जब चाहिए जाई, मक्खी अधिक तन सो पाई, मौत के टाइम पर अगर आँखों से प्राण निकल जाते हैं तो आदमी उखमज खान में जाता है, 27 लाख किस्म के उखमज खान के जीव हैं वो वहाँ पहुँचता है, वो वहाँ पहुँचता है। और ये तो 7 द्वार हुए। कह रहे हैं स्वर्ण द्वार से जीव जब चाला, प्रेत देह पाए तत्काला, अगर मौत के टाइम पर उसके प्राण कान से निकल गए तो वो प्रेत योनि में पहुंच जाता है, पहचान उसकी डेड बॉडी देखने से भी आपको पता लगेगा खतरनाक है। और आप देखते हैं कुछ लोग जब मर जाते हैं उनकी आंखें खुली हुई होती है, फटी हुई होती है, भय से वो सीधा उखमज खान में चले गए, अगर कान से प्राण निकलते हैं गर्दन टेढ़ी होती है, लगता है किसी खतरनाक जगह पर पहुँच गए। ये तो 9 द्वार हुए। दसम द्वार से जीव जब जाई, स्वर्ग लोक में वासा पाई, राजा होकर जग में आई, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करता है और राजा होकर के संसार में आता है। आगे कह रहे हैं सुरत द्वार से जीव जब जाई, अमर लोक में वासा पाई। वाह भाई, सुरति पर साहब ने जो कहा बाकी कोई नहीं बोले। यूं तो सभी कह रहे हैं ध्यान एकाग्र करो, ध्यान एकाग्र करो, पर सुरति के अद्भुत रहस्यों के विषय में केवल साहिब ने कहा, बड़ा निराला कहा। सुरत का खेल सारा है, सुरत में रचो संसारा है, यानी 11वें द्वार का रहस्य बाकी कोई नहीं बोला। 11वें द्वार का रहस्य कहीं भी नहीं मिलता है, 11वें द्वार का रहस्य हम दे रहे हैं। 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी जानत सन सुजान। साहब ने ये मिथक तोड़ा, ये सुरती में बड़े रहस्य हैं,
इन रहस्यों को कोई भी नहीं बोला। साहब ने आकर के ग्यारहवें द्वार के रहस्य दिए, वे अद्भुत थे। सूरत से देख सखी वह देश, सूरत में रचो संसारा, सूरत का है खेल सारा, सात सूरत का सकल पसारा, सुरती से कुछ ना ही न्यारा, आदि सुरती के महान रहस्यों को साहब ने आकर के बोला। इससे पहले इन रहस्यों पर बात नहीं हुई थी। योग किया जा रहा था, पवन साधी जा रही थी, मुद्राएं साधी जा रही थी, आज्ञा चक्र में ध्यान किया जा रहा था, कुंभक रेशक पूर्वक क्रियाएं की जा रही थी, लेकिन सूरत योग कोई नहीं बोला। साहब ने शब्द सूरत अभ्यास बोला नहीं। लोग सोचते हैं शायद साहब ने सूरत शब्द अभ्यास बोला, कतई नहीं। सूरत शब्द अभ्यास तो सुखदेव भी करते थे। वो तीन लोग के अंदर आता है, इस ब्रह्मांड के अंदर आता है। साहिबाणी में साहब कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में उसको काल न खाए, सूरत का खेल सारा है, सूरत में रचो संसारा है, सूरत से देख सखी वह देश, आदि साहब ने सूरत के महान रहस्य बोले। इस सुरती के अंदर परम रहस्य भरे पड़े हैं। सुरती में बहुत ताकत है, हम अपनी सुरती की ताकत को कैसे संग्रहित कर सकते हैं, ये सुरती दिख भी सकती है। इसलिए संतों ने आकर के साहब ने भी बोला, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, तह बैन बिन बोलना नैन बिन बूझते देखना, आपका खेल कहो कौन जाने। ऐसे ऐसे रहस्यों को प्रथम आज साहब ने आकर के ब्रह्मांड को दिए। अर्थात ग्यारहवें दरवाजे का अत्यंत गहन रहस्य साहब ने दिया, जो न भूतों न भविष्य थे। इससे पहले ये पद्धतियाँ नहीं थी। आज भी हम देश में देखते हैं कई मतमतांतर हैं, जो अपनी बातें बोल रहे हैं, हम उनका खंडन नहीं कर रहे हैं, पर यदि हम अच्छी तरह खंगालेंगे उनको तो साहब की थीम नज़र आ जाएगी, साहब की वाणी की नकल नज़र आ जाएगी, साहब की चीज़ें नज़र आ जाएगी बंधुओं। और उसके अलावा साहब ने कहा, जिस नाम की बात की वो नाम वाणी का विषय नहीं है। नाम एक अध्यात्म रस क्रिया है, पंच चीज़ों को मिलाकर के नामदान होता है। नामदान के समय वो कह रहे हैं, गुरु का आयाम, गुरु की महिमा, गुरु का महात्म, गुरुत्व के ऊपर साहब ने बहुत बारीकी से कहा। यूँ तो सरगुण में भी गुरु का महात्म है, निर्गुण में भी गुरु का महात्म है, सरगुण भक्ति वाले भी गुरु को मान रहे हैं, पर वहाँ गुरु का वजूद इतना डीप नहीं है। उसमें निर्गुण भक्ति में गुरु एक गाइड है, ओनली आपको बताता चलता है ये करना है वो करना है, बस इतना ही है। सुनिए, और सरगुण भक्ति में तो गुरु एक मूक दर्शक की तरह है, वो आपको एक पोथी देता है, आपको थोड़ा सा आचार नियम बताता है, आपको कहता है भाई ये फलानी चीज़ करना, आप उसमें रम जाते हैं। एक बहुत अध्यात्म में अनूठा रहस्य समाज को दिया कि सद्गुरु पार कर देगा तुम्हें, पारस सूरत संत के पासा, अनूठी चीज़, सहज मार्ग को स्थापित किया कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, ये सब काम पूर्ण सद्गुरु तुम्हारे जीवन का कर देगा। परसों मेरा प्रोग्राम गुरदासपुर में था, एक बाबा आया मुझे प्रणाम करके कहा, बोला गुरुजी कपाट खोल दो, पूरे द्वार खोल दो अंदर के। मैंने कहा बात सुनो बाबा, सभी द्वार खोल चुका हूँ तुम्हारे, तुम्हें इसका आभास नहीं है। तुमने सोचा होगा कि एक रोशनी दिखे यही द्वार खुलना है, तुमने सोचा पहाड़ियाँ आहड़ियाँ पानी पानी कहीं प्रकाश देखूँ तो यही है द्वार खुलना। मैं बोला यथार्थ आंतरिक द्वार जो अध्यात्म द्वार वो ये है कि हमारी आत्मा ठीक ठीक काम करने लगे, हमारी आत्मा समझने लगे, उसके ऊपर पड़े हुए आवरण उतर जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ठीक से समझ में आने लग जाए, संसार के पदार्थों से हम विरक्त होते जाए, मोह माया हमारी कम होती जाए, तब आप समझें कि आप आंतरिक जगत का द्वार आपका खुला है। धीरे धीरे विकारों से आप रहित होते जाए, इच्छाएँ आपकी कम होती जाए, जगत में का अट्रैक्शन आपके अंदर नहीं होता न हो, और मन की मार से आप बचते जाएं, यह है आंतरिक द्वार खुलना। आपका आंतरिक द्वार खुल चुका है, ये कार्य धीरे धीरे संपन्न होता जा रहा है, सहज मार्ग इसी का है नाम है। साहब ने आकर के सहज मार्ग की बात की, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया और बड़ा परिवर्तन लाया समाज में। लेकिन एक पक्ष था जो साहब से बड़ा खफा हुआ, वो पक्ष साहब से खफा क्यों हुआ, उसकी एक वजह थी। साहब ने आकर कुरीतियों से सावधान किया, समाज को चेतन किया और सतर्क किया कि जब परमात्मा प्रमाण दिए, उनकी वाणी प्रमाणित है, दुनिया ऐसी बांवरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पीसो खाए, आदि शब्द
कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दही बनाए तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है आदि शब्द साहब ने बोले जब और समाज को सतर्क किया तो कुछ तबका साहब से बेहद नाराज हुआ। उस तबके ने साहब को डिफेम किया। उस तबके ने साहब को कैसे डिफेम किया? यथार्थ यह था कि साहब मात गर्भ में नहीं आए, कभी नहीं आए। उनकी वाणियों में यह मिलता है, कक्का केवल नाम है, बब्बा बरन शरीर, रर्रा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। संतो अभिगत से चल आया, कोई भेद मरम ना पाया, ना हम रहले मात गर्भ में बालक हुए दिखलाया। काशी तख्त सरोवरों पर तहां जुलाहा पाया, ना हमरे ग्रही दासी ना हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हांसी। आदि शब्द साहब ने इसी श्रृंखला में बोले कि यथार्थ में मैं मात गर्भ में आया ही नहीं। पर जिस तबके को साहब ने बड़े रहस्य बोले अध्यात्म के, जिस तबके को थोड़ी क्षति हुई उसने साहब को डिफेम किया। हालांकि वो ठीक जानते थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काफ़ी पक्ष है मेरी घोर निंदा करते हैं, लेकिन अगर आंतरिक रूप से देखो तो मेरे प्रवचन को अपनी टॉक में वो मिश्रित कर रहे हैं, यानी वो सिद्धांत रूप से हमसे खफा नहीं है, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के कारण से वो हमारा विरोध कर रहे हैं। इस तरह साहब को डिफेम किया गया, कहीं जुलाह कहा गया, कहीं कुआरी ब्राह्मणी का बच्चा कहा गया, ताकि समाज भूल करके भी उनकी शिक्षा का अनुकरण नहीं करे। यथार्थ ये था कि साहब मात गर्भ में नहीं आए। साहब को 52 बार सजाए मौत मिली। क्यों दी गई? उस समय रजवाड़ा था, बादशाहों की हुकूमत थी, नवाबों की हुकूमत थी, राजाओं की हुकूमत थी, और कर्मकांडी और मौलवियों ने मिलकर के कबीर साहब की शिकायत बादशाह सिकंदर लोधी से की। सिकंदर लोधी के गुरु शेख तकी थे पीर, उनको की। उन्होंने सिकंदर लोधी को जलन की बीमारी थी, एक भयंकर खुजली की तकलीफ थी। वो कई जगह दवा किए लेकिन ठीक नहीं हुए। किसी ने राय दी कि काशी में जाओ। काशी में बड़े बड़े संत हैं, संभवतः उनका दर्शन करने से तुम्हारी बीमारी कम हो। सिकंदर, 2 सिकंदर हुए, एक सिकंदर महान, एक सिकंदर लोधी। जो सिकंदर लोधी थे वो हिंदुस्तान के बादशाह हुए। सिकंदर लोधी की हुकूमत भारत के तट पर 14वीं शताब्दी में थी, लेकिन जो सिकंदर महान हुए वो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए। तो सिकंदर लोधी, कुछ साहिब के विरोधियों ने सिकंदर को कहा, महाराज एक कबीर जी भी भक्त हैं, उसके भी दर्शन करो। लोगों का ये आइडिया था कबीर उल्टी बात करेगा तो बादशाह को गुस्सा आएगा, उसका सर काट देगा, इसलिए साहिब के पास सिकंदर को भेजा एक षड्यंत्र रच करके कि कबीर तो उदंड बोलेगा। तो उन सब ने बादशाह सिकंदर लोधी को कहा कि कबीर के पास जाओ, वो ठीक कर देगा। वो इसलिए नहीं बोला उन्होंने इसलिए बोला कि कबीर वहाँ जाते ही उल्टी पुल्टी गल्ले करेगा, बादशाह को गुस्सा आएगा, सर काट देगा। लेकिन वहाँ जाकर उल्टा हुआ। जब साहब वहाँ गए तो सिकंदर लोधी की जलन उसी समय खत्म हो गई। संगी।